परोसने की मात्रा यानी सर्विंग साइज और वजन यानी नेट वेट की जानकारी देखें। इस पैकेट या कंटेनर में कितने हिस्से परोसे जा सकते हैं ये परोसने की मात्रा या सर्विंग साइज में दर्शाया जाता है, या उसका वजन नेट वेट या औसतन मात्रा या वॉल्यूम ग्राम प्रति मिलीमीटर में दिया जाता है। न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल या पोषक तत्वों की जानकारी आमतौर पर पदार्थ की एक सर्विंग या हिस्से प्रति 100 ग्राम या 100 ml पर आधारित होता है, लेकिन कई पैकेजेस में एक से अधिक सर्विंग होती है या 100 ग्राम या 100 ml से अधिक पदार्थ होता है। इसीलिए ये देखना जरूरी है कि आप वास्तव में एक पैकेट में पदार्थ की कितनी मात्रा ले रहे हैं। यदि एक पैकेट में दो सर्विंग्स हैं या पदार्थ की कुल मात्रा 200 ग्राम या 200 ml है, तो आप कैलोरीज और पोषक तत्व न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल में जो लिखित है उससे दुगनी मात्रा में ले रहे हैं। न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल पर कैलोरीज की जांच करें। पैकेट में लिखित KCal से आपको पता चलेगा कि पैकेट में कितनी कैलोरीज हैं, जो किलो कैलोरीज में बताई गई हैं। यदि पैकेट में दो सर्विंग लिखा है और न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल पर एक सर्विंग में 100 कैलोरीज लिखित हैं, तो इसका मतलब अगर आप पूरा पैकेट खाएंगे तो आपको 200 कैलोरीज मिलेंगे। फैट फ्री का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कैलोरीज नहीं है। कम मात्रा में फैट वाले खाद्य पदार्थ में भी उतनी ही कैलोरीज हो सकती हैं, जितनी की ज्यादा फैट वाले खाद्य पदार्थ में होती हैं। न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल पर सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की जांच करें। दिल की बीमारियों से बचने के लिए कम से कम सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थों को ही चुनें। न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल पर सोडियम की मात्रा जरूर देखें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमें एक दिन में सोडियम 2 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करने के लिए उन खाद्य पदार्थों को चुनें जिनमें सोडियम की मात्रा कम हो, क्योंकि हमें खाने में नमक से सोडियम ऑलरेडी मिल जाता है। लेबल पर कार्बोहाइड्रेट्स की जांच करें। शक्कर की मात्रा को जांच लें, खास करके डाली गई शक्कर। शक्कर मेपल सिरप, गोल्डन सिरप, माल्ट सिरप, फ्रुक्टोज, कॉर्न शुगर आदि में भी होती है, इसीलिए इनकी मात्रा भी जांच लें। मोटापे को नियमित करने के लिए शक्कर, खासकर की डाली हुई शक्कर का कम प्रयोग करें। WHO के अनुसार हमें एक दिन में 20 से 25 ग्राम शक्कर से अधिक का सेवन नहीं करना चाहिए। लेबल पर प्रोटीन की मात्रा देख लें। ऐसे खाद्य पदार्थ की तलाश करें जो प्रोटीन से भरपूर हो। प्रोटीन्स हमारे शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण है। लेबल पर फाइबर की मात्रा भी देख लें। फाइबर पाचन क्रिया और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करता है। विटामिन्स और मिनरल्स की जांच करें। ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनें जो विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर हों, क्योंकि ये हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। डेली अलाउंस GDA और डेली वैल्यू प्रतिशत DV प्रतिशत का दिशा निर्देश। कुछ खाद्य पदार्थ में आपके डेली अलाउंस और आपके डेली वैल्यू प्रतिशत का दिशा निर्देश लिखा होता है। ये आपको बताता है कि ये खाद्य पदार्थ आपके शरीर के उस पोषक तत्व की कितने प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करता है। डेली वैल्यू 2000 कैलोरी के आहार पर आधारित है। यदि पोषक तत्व की DV 20% लिखी है, तो इसका मतलब ये है कि खाद्य पदार्थ आपकी उस पोषक तत्व जिसकी आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता है कि 20% मात्रा की पूर्ति कर रहा है। ये एक आसान तरीका है जानने के लिए कि खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व अधिक हैं या कम हैं। यदि डीवी 5% से कम है तो उस खाद्य पदार्थ में कम पोषक तत्व हैं, और अगर डीवी 20% से अधिक है तो उस खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा अधिक है। इस तरह से आप न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल को अच्छी तरह पढ़ें और समझ लें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी